Hello everyone, my name is Sweetie Bathalia and welcome to SB Academy classes. तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम. फाइनली बहुत सारे बच्चे थे जो इस चैप्टर का वेट कर रहे थे, तो नाउ हेयर वी आर. तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन जो है वो डिस्कस करेंगे, और वो हमारा रहेगा हिस्ट्री के बारे में. केमिस्ट्री की थोड़ी सी हिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे. एक्चुअली ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर की शुरुआत ही हिस्ट्री से होती है. तो देखिए क्या था, अगर हम बात करें अराउंड 400 BC के आसपास, बिफोर क्राइस्ट के आसपास, तो वहाँ पे ना काफ़ी हमारे पास इंडियन और ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिन्हें ना ये चीज़ बहुत अच्छे से पता थी कि एटम जैसी कोई चीज़ जो है या एटम का आइडिया जो था उनको पता था. ठीक है, फिर हमारे महर्षि कनद जो थे उन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया था कि अगर हम मैटर को या किसी पदार्थ को हम लें और उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में अगर डिवाइड करते जाएं, ठीक है, तो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जब हम उस पार्टिकल को और भी ज़्यादा छोटे अमाउंट में ब्रेक नहीं कर सकते. तो महर्षि कनद जो थे उन्होंने क्या कहा कि हम उस छोटे से पार्टिकल को कहेंगे परमाणु. उन्होंने क्या कहा उसको, परमाणु. ठीक है, फिर साइमल्टेनियसली अब महर्षि कनद जो थे वो तो इंडियन फिलोसोफर थे, उसी एरा में कुछ एशियंट हमारे पास फिलोसोफर्स भी थे जो कि ग्रीक फिलोसोफर्स थे. कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर्स थे जिनका नाम क्या है, डेमोक्रेटस एंड ल्यूसिपस. ये जो साइंटिस्ट थे ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे. तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा कि अगर हम मैटर को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते चले जाएं, तो अल्टीमेटली एक स्टेज आती है जिसके बाद हम उसको नहीं ब्रेक कर सकते. तो इन्होंने वही सेम चीज़ जिस पार्टिकल को महर्षि कनद ने परमाणु कहा था, इन्होंने क्या कहा, उसी सेम चीज़ को, सेम पार्ट को जिसको हम और ज़्यादा डिवाइड नहीं कर सकते हैं, इन्होंने कहा कि हम उसको एटम कहेंगे. तो ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने परमाणु को एटम कहा? अब ऑब्वियस सी बात है, जो वर्ड परमाणु है वो हिंदी का है. ठीक है, जो वर्ड एटम है, अब क्योंकि ये ग्रीक फिलोसोफर्स थे तो इन्होंने ग्रीक वर्ड को चुना, और एक ग्रीक वर्ड हमारे पास होता है एटोमियो. ठीक है, तो एटोमियो का मतलब क्या होता है कि अनकटेबल, जो कट ना किया जा सके, या आप कह सकते हो अनडिविजिबल, जिसको हम और ज्यादा डिवाइड ना कर सकें. तो यहां से उन्होंने क्या कहा, वर्ड दिया एटम. ठीक है, अब दिक्कत ये थी कि भाई ये जो था बहुत ही पुराने टाइम की बात है, क्योंकि हम हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, तो दिक्कत ये थी कि उस टाइम ना ये सिर्फ एक आइडियाज थे, उन्होंने एक मतलब आइडिया जो था उसको प्रपोज कर रखा था, बट उस टाइम में कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट्स नहीं किए गए थे कि भाई वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दे कि हाँ भाई ये जो चीज़ है ये एग्जिस्ट करती है, और भाई ये चीज़ मतलब इस चीज़ का प्रूफ है कि हाँ ये बात 100% सही है. तो यहाँ तक जो था कोई भी एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमारे पास नहीं था इन आइडियाज़ के लिए. फिर उसके बाद 19th सेंचुरी के आसपास की बात करें, ठीक है, 19th सेंचुरी पे भी हम लोग बाद में आते हैं. सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में जिनका नाम आप लोगों ने सुन भी रखा है, जॉन डाल्टन. ठीक है, ये एक स्कूल टीचर थे, ब्रिटिश स्कूल टीचर थे, जिन्होंने 1808 में थ्योरी दी थी, जो थ्योरी आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ भी चुके हैं और छोटी क्लास में भी आप इनका नाम सुन के आते हैं, जिन्होंने क्या दी थी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. इनकी थ्योरी का नाम क्या है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी. तो एटॉमिक थ्योरी में इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई थी ये हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था,
अगर आप फिर से डिटेल में जाना चाहते हैं, मतलब जानना चाहते हैं कि इन्होंने क्या कहा था, तो आप फर्स्ट चैप्टर के वीडियोस में जाइए और वहाँ पे पढ़िए। मैंने पढ़ा रखा है कि इन्होंने क्या क्या बातें कही थी। तो वहाँ पे भी इन्होंने क्या चीज़ बोली थी कि भाई जो एटम है वो सबसे छोटा पार्टिकल होता है और एटम हमारा अनडिविजिबल है, हम एटम को और ज़्यादा नहीं तोड़ सकते और एटम के बाद जो है हमारा किस्सा ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने जो थ्योरी दी काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। इनफैक्ट आप ये मान सकते हैं कि 19th सेंचुरी भी जो थी उसमें ये चलता रहा, डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी काफ़ी लंबे समय तक फॉलोअप लोग करते रहे। बट जब 19th सेंचुरी ख़त्म हो रही थी और 20th सेंचुरी की अगर हम अर्ली स्टेज की बात करें कि भाई 20th सेंचुरी जब शुरू हो रही थी, तो धीरे धीरे जो अदर साइंटिस्ट थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके देखे। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई पुराने टाइम में अगर कोई चीज़ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड नहीं थी तो आने वाले समय में वो कभी डिटरमाइंड ही नहीं होगी। एट प्रेजेंट हम लोगों ने जितनी रिसर्च कर रखी है, तो क्या आने वाले 50 या 100 साल बाद हमारा यही लेवल रहेगा? नहीं, हम बहुत आगे निकल जाएंगे। अभी भी हमें लगता है कि हम पीछे से काफ़ी आगे आ गए हैं, बट इन फ्यूचर हम इससे भी ज़्यादा बहुत अपर लेवल पर पहुँच जाएंगे रिसर्च के मामले में। ठीक है, तो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी जो थी ये काफ़ी लंबे समय तक चलती रही। बट फिर जैसे जैसे अगर हम एंड की बात करें 19th सेंचुरी की और अर्ली 20th सेंचुरी की बात करें, तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट्स होने लगे और वहाँ से ये चीज़ आइडेंटिफाई हुई क्या कि भाई जो एटम है जिसको आप अब तक ये मानते चले आ रहे हो कि एटम को ब्रेक नहीं कर सकते, एटम को डिवाइड नहीं कर सकते, एटम किसी चीज़ से मिलके नहीं बना है, तो वो चीज़ पता चली कि ऐसा नहीं है। एटम जो है वो तीन चीज़ों से मिलके बनता है, पता है आप लोगों को क्या क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इन तीनों को कहा गया फंडामेंटल पार्टिकल्स और इन्हीं फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं और वो क्या है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये चैप्टर ना 11th का बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है। इसमें ना आप एक्चुअली जानोगे इस चीज़ को। अभी तक तो हमारा चैप्टर ही शुरू नहीं हुआ, अभी तक तो मैं आपको बस हिस्ट्री समझा रही थी, इतिहास बता रही थी। ठीक है, तो अब जाके हमारा ये चैप्टर स्टार्ट होगा और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है दैट इज सब एटॉमिक पार्टिकल्स, कि कैसे आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन डिस्कवर हुए, प्रोटॉन डिस्कवर हुए, ठीक है, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर हुए। और यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है और क्योंकि ये हिस्ट्री से थोड़ा सा रिलेटेड है, आप डेवलपमेंट पढ़ोगे कि भाई कैसे कैसे ये आइडेंटिफाई हुए। अभी जो कि जिस समय में मैं वीडियो बना रही हूँ और जिस समय पे एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ, तो क्योंकि कोरोना चल रहा है और सभी बच्चे घर पे पढ़ रहे हैं और स्कूल्स वगैरह जो है, मतलब ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू ही आप लोगों की क्लास लग रही है, जो भी काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को टीचर्स को फेस करनी पड़ती है, तो CBSE ने काफ़ी पोर्शन आपका रिड्यूस कर दिया है, जिसमें से आपका जो ये सब एटॉमिक पार्टिकल की डिस्कवरी कैसे हुई ये पोर्शन आपका हट चुका है अभी के फ़िलहाल के लिए इस सेशन में। आगे के सेशन में रहता है या नहीं रहता है वो अभी हमें नहीं पता है, बट फिर भी हम लोग स्टार्ट करेंगे और डिस्कवरी जो है हम ज़रूर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन वगैरह ये कैसे डिस्कवर हुए, सो दैट आपको आइडिया लगे। क्योंकि आप 11th के बाद भी अगर आप ये चीज़ नहीं पढ़ते हो तो आगे आप कभी नहीं पढ़ पाओगे, तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक आइडिया ज़रूर लेंगे, क्योंकि पढ़ना तो देखिए आपको सब चाहिए, बट हाँ आपके एग्ज़ाम में इस सेशन में इस पे से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा। आगे मैं आपको बता दूंगी कि हाँ भाई आपका जो डिलीटेड पोर्शन है वो अब ख़त्म हो चुका है, यहाँ से जो है अब आपका अनडिलीटेड पोर्शन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखिए हम पढ़ने वाले हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब तक डिस्कवर नहीं हुए थे ना, और जब तक डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी चल रही थी, तो डॉल्टन्स एटॉमिक थ्योरी काफ़ी सक्सेसफुल थी लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन को एक्सप्लेन करने के लिए। बट जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया और जो है रिसर्च होती गई, तो जो अदर साइंटिस्ट थे टाइम बीतते बीतते उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ, उन्हें थोड़ा सा आइडिया लगा कि नहीं भाई
जो एटम है, एटम का भी कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। आप एटम को ऐसे स्ट्रक्चरलेस नहीं अज्यूम कर सकते हो कि उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। एटम भी का भी कोई स्ट्रक्चर होता है, एटम के अंदर भी कोई चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो धीरे धीरे वहाँ से लोग जो थे मतलब सोचने लगे कि हाँ कुछ तो है, कि भाई एटम के अंदर कोई ना कोई चीज़ जो है वो एग्जिस्ट कर रही है। अब इसका सबसे ज़्यादा जो श्रेय है वो जाता है डिस्कवरी की अगर हम बात करें ना, तो डिस्कवरी तो देखो जे जे थॉम्सन ने किया है इलेक्ट्रॉन की। कहीं आप सोचो डिस्कवर्ड बाय जे जे थॉम्सन, तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की है? जे जे थॉम्सन ने, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि अगर हम इसके श्रेय की बात करें, ठीक है, तो इसका जो श्रेय है वो जाता है माइकल फैराडे को, क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने ना इस चीज का आइडिया दे दिया था कि मैटर और इलेक्ट्रिसिटी के बीच में कोई रिलेशन होता है। कैसे? माइकल फैराडे जो थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। आप इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते भी होंगे अगर आपने मेरे रिडॉक्स के चैप्टर के वीडियोस देखे हैं, और नहीं भी देखा है तो आप देख सकते हैं। अगर आपको आइडिया लेना है तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। तो उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस को। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस ये होता है कि इसके अंदर ना हम लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट। क्या लेते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट आपका कोई भी सब्सटेंस हो सकता है जो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखता हो कैटायन में और एनायन में, और करंट कंडक्ट कराता हो। तो यहां पे उन्होंने एक प्रोसेस डिस्कस किया था इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हम उसको कहते हैं जिसमें हम करंट दे के किसी केमिकल रिएक्शन को कराते हैं। इलेक्ट्रिक करंट दे रहे हैं और उस इलेक्ट्रिक करंट को देने से हम क्या करा रहे हैं? किसी केमिकल रिएक्शन को करा रहे हैं, ठीक है। एक होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल जिसको हम कहते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ रहे हैं जहाँ पे हम करंट देके कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं। तो माइकल फैराडे ने क्या किया था, उन्होंने सब्सटेंसेस लिए थे, ऐसे सब्सटेंसेस जो डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखे और करंट को कंडक्ट कराए, ठीक है, तो उनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। तो उन्होंने इलेक्ट्रोलाइट लिए, मेटल की रोड जो थी वो डिप करी, जिसमें से एक कैथोड होती है और एक एनोड होती है, ठीक है। आप एक जनरल आइडिया ले लो, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, टॉपिक से भटक जाएंगे। तो होता क्या था कि एक रोड पे होता था ऑक्सीडेशन और एक रोड पे होता था रिडक्शन। एक इलेक्ट्रोड पे मैटर जो है वो डिपोजिट हो जाता था, और मैटर, क्या कह रही हूं मैं, मैटर, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड की रोड, जो मेटल की रोड होती थी जिसे हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, उस पर मैटर डिपोजिट हो जाता था, जमा हो जाता था, और दूसरे में कुछ ना कुछ लिबरेट हो जाता था, लिबरेशन हो जाता था। तो उन्होंने कहा कि भाई कुछ तो है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, करंट दे रहे हैं, एक रोड पे इलेक्ट्रोड एक इलेक्ट्रोड पे सब्सटेंस जमा हो रहा है, दूसरे पे लिबरेट हो रहा है, तो कोई ना कोई रिलेशन तो है किसके बीच में, मैटर के और करंट के बीच में। तो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ फिलहाल के लिए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई मैटर और करंट के बीच में कोई रिलेशन होता है, और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को किए, ठीक है, और जिसको इन्होंने नाम दिया इलेक्ट्रोलिसिस। तो इन्होंने क्या किया, दूसरे साइंटिस्ट को आइडिया दे दिया। अच्छा, इसके जो ये एक्सपेरिमेंट इन्होंने किए थे, यहाँ से इन्होंने फैराडेज की लॉ भी निकाली थी, फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, जो आप 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हो। तो इन्होंने क्या किया, 1830 के आसपास रिलेशन दे दिया, किसका, मैटर का और इलेक्ट्रिसिटी का। अब एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम था स्टोनी, इन्होंने 1874 के आसपास, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, इन्होंने क्या कहा कि जैसे मैटर
छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। हालांकि वो अभी तक मुद्दा चल रहा था कि वो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है, बट उन्होंने कहा कि जैसे मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है, सिमिलरली जो करंट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी होती है, वो भी छोटे छोटे अमाउंट से मिलके बनती है, उसकी भी कुछ डिस्क्रीट यूनिट होती है। और उन्होंने कहा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो जिस पार्टिकल से मिलके बन रहा है उन पार्टिकल्स को कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब क्या है, ये फिजिसिस्ट थे, फिजिक्स के साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने ना धीरे धीरे हिंट देना शुरू किया कि भाई ऐसा होता है, मैटर और करंट में रिलेशन होता है। अच्छा, मैटर और करंट का रिलेशन देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल आपने देखा है कभी, अगर हम कुछ ग्लास की रोड ले लें या कोई ग्लास ही ले लें, ठीक है, मतलब शीशे का, उसको आप सिल्क से ना वो करो, रब करो, या फर से रब करो, और उसके बाद आप थोड़ी देर बाद अगर उसको ऐसे टच करके देखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा ऐसे करंट सा लगता है। कई बार होता है ना, हम कहीं बैठे होते हैं और आके हमें कोई टच करता है, तब भी हमको ऐसे एक चीटी सी काटती है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आप खुद सोचो ना, हम मैटर हैं या हम जो ग्लास की रोड को रब कर रहे हैं सिल्क से, भाई ग्लास के अंदर करंट कहाँ से आ रहा है। इट मीन्स मैटर जो है, हम ये बोलते थे कि भाई मैटर जो है सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल एटम से मिलके बन रहा है, और एटम को तो हम न्यूट्रल मानते थे, तो कहाँ से आ रहा है ये करंट, एटम कैसे चार्ज हो रहा है। तो वहां से धीरे धीरे ना इनको थोड़ा सा इंट मिलने लगा कि नहीं भाई, कुछ गड़बड़ है, और कोई ना कोई ऐसी चीज है जो एटम के अंदर एग्जिस्ट करती है और हमें अब तक नहीं पता। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे जो अदर साइंटिस्ट थे, जे थॉमसन थे, और भी बहुत सारे साइंटिस्ट थे। ठीक है, देखो जब भी कोई डिस्कवरी होती है ना, तो वो किसी एक बंदे का कंट्रीब्यूशन नहीं होता, वो बहुत सारे लोग मिलके डिस्कवर करते हैं। ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है कि भाई आप किसी भी चीज़ से, मतलब आप कोई भी चीज़ डिस्कवर करने लग गए और आपने अकेले डिस्कवर कर दी। ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी चीज़ को डिस्कवर कर रहे हो तो आप अलग अलग चीज़ों से, अलग अलग जगह से आप कुछ नॉलेज गेन करते हो, तो कहीं ना कहीं किसी ने किसी को आइडिया दिया, किसी ने कोई छोटा एक्सपेरिमेंट किया, किसी ने उसका एप्लीकेशन पार्ट किया। अब हम क्या है, हम सब कुछ बिल्कुल उसका रिजल्ट पढ़ रहे हैं, कंक्लूजन पढ़ रहे हैं, तो हमें इतने आसानी से ये सब चीज़ें समझ में आती हैं। बट सोचो उस टाइम पे बेचारे वो इतनी मेहनत करते थे, वो देखते थे अच्छा दूसरा साइंटिस्ट क्या रिसर्च कर रहा है, ये वाला साइंटिस्ट क्या रिसर्च कर रहा है, मैंने क्या रिसर्च करी, अगर इन तीनों भाई तीन चार चीज़ें जो साइंटिस्ट ने अलग अलग डिस्कवर करी, अगर हम इसको कोलैबोरेट कर दें तो क्या आउटकम आता है, उससे हम क्या चीज़ सीख सकते हैं, वो कोई बात गलत क्या बता रहा है। तो ये सब करके बाद में जो था इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी आई, बिल्कुल आसान तरीके से। ऐसे नहीं हुआ कि भाई हाँ कुछ महीनों का काम था या कुछ सालों का काम था या किसी एक बंदे ने काम किया और डिस्कवरी हो गई। ठीक है, तो अब हम फाइनली पढ़ने वाले हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो की थी जे थॉमसन ने। और ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो किया गया था एक्सपेरिमेंट, ये ग्लास ट्यूब में किया गया था, जिसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब जो डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है या डिस्चार्ज ट्यूब है, इसको हम क्रूक्स ट्यूब या फिर क्रूक्स एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया कि भाई जब भी डिस्कवरी होती है, ठीक है, तो कोई एक साइंटिस्ट नहीं करता, और खासकर जब ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी चल रही थी तब तो बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे वो लोग इस एक्सपेरिमेंट को करके देख रहे थे। तो उसमें से काफ़ी हमारे साइंटिस्ट हैं, जैसे कि प्लकर है, प्लकर एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, और क्रूक्स भी साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने भी ये एक्सपेरिमेंट करके देखे थे। बट जो मेन हमारा एक तरीके से हम बोलते हैं कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉन को किसने डिस्कवर किया, तो जो मेन ट्रिब्यूट है वो जाता है जे थॉमसन को। तो ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया था, एक ग्लास ट्यूब लेते थे, ठीक है, इस ग्लास ट्यूब के अंदर एक जगह लगाई जाती थी मेटल की रोड, जिसे हम कहते थे कैथोड, और एक तरफ लगाई जाती थी मेटल की रोड, जिसको हम बोलते थे एनोड।
नीचे कनेक्ट कर देते हैं, ऊपर जगह नहीं है, ठीक है। तो इसको कनेक्ट किया जाता था हाई डीसी वोल्टेज से। मान लीजिए अगर ये आप कैथोड मान रहे हैं इसको, ठीक है, तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड होती है। इसको अगर आप एनोड मान रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज्ड होती है, ठीक है। और इसको कनेक्ट किया गया हाई डीसी वोल्टेज से, ठीक है। और इसके अंदर गैस भरी जाती थी, 50 सेंटीमीटर लॉन्ग ये ग्लास की ट्यूब होती थी, इसके अंदर गैस भरी जाती थी और यहाँ पे लगाया जाता था एक पंप। कई बार आप देखना डायग्राम में, कई बार आपको वोल्टेज ऊपर मिलेगा, पंप नीचे मिलेगा, उससे खैर कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये मत सोचना यहाँ पे डायग्राम वैसा है वहाँ पे वैसा है, डजंट मैटर, ठीक है। तो ये होता था वैक्यूम। ये क्या करता था, वैक्यूम जो है, जो भी हम गैस वगैरह भरते थे, ठीक है, वैक्यूम पंप है, ऑब्वियस सी बात है, तो वैक्यूम क्रिएट करेगा, ठीक है, और क्या कर देगा, अंदर बहुत ही लो प्रेशर क्रिएट कर देगा। तो हम लोग क्या करते थे, इसके अंदर कोई भी गैस भरते थे, ठीक है, और गैस भरने के बाद उसको बहुत ही लो प्रेशर पे हम लोग लेकर जाते थे। तो हमने क्या किया, इसके ना ऑब्जर्वेशंस करी। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, नॉर्मल प्रेशर पर, मतलब ये ट्यूब ली, इलेक्ट्रोड्स कैथोड एनोड लगी हुई है, हाई वोल्टेज हम लोग करंट दे रहे हैं, तो सबसे पहले हमने क्या किया, नॉर्मल प्रेशर पे उसको स्टडी किया। जब हमने उसको नॉर्मल प्रेशर पर स्टडी किया ना, तो उसके अंदर कोई भी कंडक्टिंग नेचर या मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशनल एक तरीके से चीज़ हमको नहीं मिली कि भाई हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि हाँ कोई चीज़ हो रही है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, उसके बाद हम लोगों ने वैक्यूम पंप से यहाँ का प्रेशर थोड़ा सा कम किया। जैसे पहले हम नॉर्मल प्रेशर पर देखा तो गैस जो था वो कंडक्टिंग नेचर शो नहीं कर रही थी। फिर हम लोगों ने क्या किया, वैक्यूम पंप की मदद से प्रेशर थोड़ा सा कम कर दिया, रिड्यूस कर दिया, अप्रॉक्सीमेटली 10^-2 ATM तक। तो हमने क्या चीज़ देखी, जो गैस थी वो धीरे धीरे कंडक्टिंग होने लगी, ठीक है, और जो रेसिडुअल गैस थी उसकी वजह से मतलब वो ग्लो करने लगी। ग्लो कैसे कर रही थी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, वो ग्लो करने लगी। और वो किस कलर का ग्लो करती थी वो इस पर डिपेंड करता था कि हम यहाँ पर गैस कौन सी ले रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे जो ट्यूब थी वो ग्लो करने लगी। फिर उसके बाद थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर क्या देखी गई कि हमने वैक्यूम पंप से और भी ज़्यादा प्रेशर कम कर दिया। तो जब हमने और भी ज़्यादा प्रेशर कम कर दिया अप्रॉक्सीमेटली 10^-4 ATM तक, तो हमने देखा कि जो वो गैस ग्लो कर रही थी वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, कम होने लगा, और जो कंडक्टिंग नेचर था गैस का वो अभी भी एग्जिस्ट कर रहा था। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर गैस कंडक्टिंग नेचर शो कर रही है तो कोई ना कोई चीज़ तो है ना ऐसी जो कैरी कर रहा है उसका कंडक्शन नेचर। ऐसा तो है नहीं कि भाई जादू से कुछ भी हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं हूँ और मुझसे दूर कोई पर्सन बैठा है और मैं चाहती हूँ कि भाई ये मार्कर वहाँ तक चला जाए, उसके पास पहुंच जाए, तो ऑब्वियस सी बात है या तो मैं उसे मार्कर दे के आऊंगी या मैं किसी को ढूंढूंगी और कहूंगी कि ये पकड़ो मार्कर और थर्ड पर्सन को देकर आओ। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो भी कंडक्टिंग नेचर गैसेस शो कर रही हैं उस कंडक्शन को कोई ना कोई कैरी कर रहा है, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज़ें ऑब्जर्व हुई उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो ना ये चीज़ पता चली कि कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं और वो जो रेज निकलती हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये कैसे पता चला कि जो कैथोड से रेज निकल रही हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही हैं। ऐसा इसलिए कहा मैंने क्योंकि साइंटिस्ट जब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उन्होंने क्या किया, बीच में ऑब्जेक्ट रख कर देखा, बीच में उन्होंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट रख कर देखा। और जब उन्होंने वो ऑब्जेक्ट रख कर देखा तो उनको क्या दिखाई दिया, उनको शैडो दिखाई दी, ठीक है। अब ये तो मैंने थोड़ा सा डायग्राम ऐसे बना दिया, आप इसको ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि भाई ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है और इस डिस्चार्ज ट्यूब में मान लो यहाँ पे हमारी कैथोड लगी है,
यहाँ पे मान लो आपकी एनोड लगी है, कैसे भी लगा हो सकता है, ठीक है, और यहाँ से जो है आपकी रेज निकल रही है, तो अगर मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दूंगी तो उसके पीछे मुझे क्या दिखाई देगी, उसकी शैडो। तो जब हमें उसके पीछे उस ऑब्जेक्ट की शैडो, ये मैं बस आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ठीक है, तो जब हमें उस ऑब्जेक्ट की शैडो दिखने लगी तो हमें ये चीज़ पता चली कि भाई वो जो रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। तो सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ से क्या निकला, सबसे पहला कंक्लूजन यहाँ से ये निकला कि जो कैथोड रेज हैं, क्योंकि ये रेज जो थी कैथोड से निकल रही थी इसीलिए इसको कैथोड रेज कहा गया। तो सबसे पहली जो चीज़ थी यहाँ पे ये बोला गया कि जो कैथोड रेज हैं वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या थी, दूसरी चीज ये थी कि ठीक है ऑब्जेक्ट वैसे हमें पता चल गया कि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। फिर हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि भाई वो ग्लो भी करती हैं। अब कैसे पता चला, हमारे पास ना कुछ फ्लोरोसेंट मटेरियल्स होते हैं जिन पे कभी भी लाइट अगर या कोई भी रेडिएशन अगर कोई फॉल करता है, कुछ भी फॉल करता है तो वो रेडिएट करते हैं, चमकते हैं। तो हमने क्या किया, उस ग्लास की कोटिंग कर दी फ्लोरोसेंट मटेरियल से, फ्लोरोसेंट मटेरियल से, फ्लोरोसेंट मटेरियल लाइक जैसे आप जिंक सल्फाइड ZnS ले सकते हो। अब आप कहोगे कि मैम ये तो कैथोड से निकल रहा है एनोड की तरफ जा रहा है और हमने जो कोटिंग करी है वो तो पीछे करी है, तो जो एनोड है वो एक्चुअल में क्या है, बस एक मेटल की रोड है, मेटल की रोड में क्या छेद नहीं हो सकता, हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे होल कर दें और उस होल में से पास होके जब ये रेडिएशन उस स्क्रीन पर फॉल करती थी तो वो क्या करती थी, ग्लो करती हुई दिखाई देती थी, ठीक है। तो यहां से हमने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि भाई जो हमारी कैथोड रेज निकलती हैं, ठीक है, वो क्या करती हैं, जब भी किसी फ्लोरोसेंट मटेरियल पर फॉल करती हैं, स्ट्राइक करती हैं, तो वो क्या करवाती हैं, उसको रेडिएट करवाती हैं। फिर उसके बाद तीसरी चीज क्या ऑब्जर्व करी कि अगर हम इसके बीच में रख दें छोटे छोटे पैडल्स, छोटे छोटे पैडल्स बहुत ही लाइट होते हैं, ऐसा मत समझना कि रियल वाले पैडल हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, छोटे छोटे पैडल्स रख दिए व्हील्स के साथ, जैसे मान लो ये व्हील है तो हमने यहाँ पे व्हील रख दिया और उसमें छोटे छोटे पैडल्स बना दिए, बहुत ही लाइट वेटेड होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होते हैं। तो जब ये रेज यहाँ से निकलती थी तो ये क्या करती थी, ये रेज जब इस व्हील से टकराती थी तो इसके पेडल्स जो थे, जो व्हील जो था वो मूव करता था, घूमता था। तो हमने यहाँ से थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या निकाली, ठीक है, पहली क्या थी कि ट्रेवल करती है स्ट्रेट लाइन में, दूसरी क्या थी कि भाई जब ये फ्लोरोसेंट मटेरियल पे फॉल करती है तो वो फ्लोरोसेंट मटेरियल ग्लो करता है, तीसरी चीज़ हम लोगों ने क्या पढ़ी या क्या चीज़ इससे ऑब्जर्व करी कि भाई जब ये रेज किसी स्मॉल पेडल्ड व्हील पे फॉल करती हैं तो ये मैकेनिकल इफेक्ट जो है उसको भी प्रोड्यूस करती हैं, क्या प्रोड्यूस करती हैं, मैकेनिकल इफेक्ट, ठीक है। तो अब तक देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हम लोग ये पढ़ रहे थे कि भाई जब भी हम कोई गैस लेते हैं लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज करंट, काफ़ी हाई वोल्टेज रहता है, ठीक है, 5000 से लेके 10000 वोल्टेज तक, काफ़ी हाई वोल्टेज करंट हम जब देते हैं किसी गैस में लो प्रेशर पे तो वो कंडक्टिंग नेचर की हो जाती है और कैथोड से कुछ रेज निकलती हैं जो कि कहाँ जाती हैं, पॉजिटिव की तरफ। अब सबसे पहले ये चीज़ देखो कि वो रेज नेगेटिव से निकल रही हैं और ऑब्वियस सी बात है कि अगर पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं तो पॉजिटिव से अट्रैक्ट कौन होगा, अपोजिट चार्ज, ठीक है। तो अब अगर वो पॉजिटिव की तरफ जा रही हैं तो इससे ये चीज़ पता चला कि ये जो रेज जिस भी पार्टिकल से मिलके बन रही है उनका नेचर कैसा है, नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ से आपकी जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आई वो क्या आई कि दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब इसको ना चेक करने का एक तरीका और भी है, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। होता क्या था कि भाई जब हम बात करते थे एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड,
ठीक है, जब हम बात करते थे इन एब्सेंस ऑफ एनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये जो रेडिएशंस यहाँ से निकलती थी, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती थी, ठीक है, तो ये क्या करती थी, जो कैथोड रेस थी ये ट्रेवल करती थी स्ट्रेट लाइन में। अब कैसे पता चला कि भाई जो कैथोड रेस जिन पार्टिकल से मिलके बन रही है वो नेगेटिवली चार्ज्ड है, एक तो पॉजिटिव की तरफ जा रही थी, और दूसरी चीज क्या थी कि जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लगाई, ठीक है, तो हमें उनमें डिफ्लेक्शन देखने को मिला। जैसे कि मान लीजिए ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, वैक्यूम को थोड़ा सा अभी के लिए मैं हटा देती हूँ, मतलब आप इसको इधर लेफ्ट राइट में कहीं पे शिफ्ट कर दो, मान लो यहाँ पे कर दो, चलो ये वैक्यूम है, ठीक है। तो अब देखो क्या है कि मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, हमने प्लेट्स लगा दी, और मान लीजिए वो प्लेट्स हमने लगाई, यहाँ पे लगाई पॉजिटिव और यहाँ पे लगाई हमने नेगेटिव, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलता था कि जो वो रेज होती थी वो कहाँ ट्रेवल करती थी, वो कहाँ डेविएट हो जाती थी, पॉजिटिव की तरफ। तो जब वो पॉजिटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रिक प्लेट्स की तरफ डेविएट हो जाती थी, तो वहां से भी इस चीज का हिंट मिला कि वो रेज जिन पार्टिकल्स से मिलके बन रही है वो कैसे हैं, ऑब्वियस सी बात है वो नेगेटिव चार्ज के हैं, वो नेगेटिव चार्ज के तभी वो पॉजिटिव प्लेट्स की तरफ क्या हो रहे हैं, डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। सिमिलरली जब हम यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाते थे, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर एक्सटर्नल क्या लगाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ पे लगा दिया साउथ पोल और यहाँ पे मैंने लगा दिया नॉर्थ पोल, तो आपके याद है आप छोटी क्लास में पढ़ते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो वहाँ पे हम क्या चीज़ पढ़ते हैं कि भाई अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दें और कोई चार स्पीशीज है तो वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्शन शो करता है। तो इन द सेम वे ये क्या करते थे, नॉर्थ की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाते थे, ठीक है। तो उसके बाद ये हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े कि भाई ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, फिर फ्लोरोसेंट नेचर शो करती है क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल पे जब फॉल करती है तो ग्लो करती है, ठीक है, मैकेनिकल इफेक्ट शो करती है। मैकेनिकल इफेक्ट से ना देखो एक चीज़ और कंक्लूड हुई, मैकेनिकल इफेक्ट से क्या चीज़ कंक्लूड हुई, मैकेनिकल इफेक्ट में हम लोगों ने ये देखा था कि भाई अगर हम छोटे छोटे वो रख दें, व्हील रख दें पैडल के साथ, ठीक है, तो हमने क्या चीज देखी थी कि भाई वो जो व्हील था वो घूमता था। तो अब आप खुद सोचो कि अगर ये रेस किसी उस पर स्ट्राइक कर रही है और स्ट्राइक करने के बाद उसमें मोशन करवा रही है, काइनेटिक एनर्जी क्रिएट कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये खुद भी किसी ना किसी पार्टिकल से मिलके बनी है, ठीक है। तो इन सब चीजों को अगर हम देखें कि भाई मतलब यहां से रेज निकल रही हैं और वो रेज किसी के साथ टकरा रही हैं, कोलिजन कर रही हैं, कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं, तो पता चला कि भाई वो रेज कुछ ना कुछ पार्टिकल से मिलके बनी है। फिर हमने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स करके देखे जिनसे हमें ये पता चला कि वो रेज जिन पार्टिकल्स से मिलके बनी है वो पार्टिकल्स भी कैसे हैं, नेगेटिवली चार्ज। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पॉइंट और आता है कि भाई जो हमारी कैथोड रेज होती हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं कि जो कैथोड रेज होती हैं वो एक्सरे प्रोड्यूस करती हैं, क्या करती हैं, दे प्रोड्यूस एक्सरेज, वो एक्सरे प्रोड्यूस करते हैं। अब एक्सरेज कैसे प्रोड्यूस होते हैं, देखो जो कैथोड रेज है उसके जो पार्टिकल्स हैं बहुत ही स्पीड में मूव करते हैं, ठीक है, तो जब भी वो किसी हैवी मेटल्स पर स्ट्राइक करते हैं, हैवी मेटल्स जैसे कि आपके पास टंगस्टन हो गया, ठीक है, और भी हमारे पास काफ़ी हाई हैवी मेटल्स होते हैं, तो जब वो कैथोड रेज इन हैवी मेटल्स पर स्ट्राइक करती हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरेज, ठीक है, ठीक है। साथ ही साथ हम लोगों ने क्या चीज ऑब्जर्व करी कि अगर हम इनको किसी थिन शीट पर फॉल कराएं, ठीक है, थिन शीट्स जैसे कि एल्यूमिनियम की हो गई या फिर हमारे पास अदर मेटल्स हो गए, अगर हम अदर मेटल्स या फिर एल्यूमिनियम की थिन शीट्स पर इन रेडिएशंस को, कैथोड रेस को अगर हम फॉल कराते हैं तो ये पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेट का मतलब क्या होता है, अंदर घुसना,
ठीक है, तो ये क्या कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं, तो ये भी इसकी एक प्रॉपर्टीज में गिना जाता है। फिर उसके बाद इसकी एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर हम इन रेडिएशंस को किसी मेटल सरफेस पर फॉल कराते हैं तो ये वहाँ पे हीटिंग इफेक्ट शो करती है। क्या शो करती है? हीटिंग इफेक्ट, मतलब अगर आप किसी मेटल के ऊपर इन रेज को फॉल करा रहे हो, कराते जा रहे हो कैथोड रेज को, तो मेटल धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, वार्म सा होने लग जाएगा, हीट सा होने लग जाएगा। तो यहाँ से क्या चीज़ पता चली कि भाई वो हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो देखो कितनी सारी चीज़ें पता चली कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं, जब तक आप एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगा रहे हो, अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हो तो वो डेविएट करती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फ्लोरोसेंस बिहेवियर शो करती हैं, फिर उसके बाद मैकेनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, अगर आप रेस आ रही हैं और साथ सेंटर में जो है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, मतलब ऑब्जेक्ट लाइक लाइट वेटेड व्हील वगैरह रखा है, तो उस पर जब फॉल करती है, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो मोशन में आता है, तो पता चला कि वो पार्टिकल्स से मिलके बनती हैं। कैथोड से निकल रही हैं, एनोड की तरफ जा रही हैं, ये कैसे पता चला था, जब बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा था तो शेडो हमें पता चली कि भाई शेडो आ रही है, डायरेक्शन पता चली। फिर ये चीज़ भी पता चली छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बन रही है जो नेगेटिव चार्ज्ड हैं, दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड। फिर हमने नेगेटिव चार्ज कैसे पता चला, जब हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के देखी तो हमने देखा कि पॉजिटिव प्लेट की तरफ वो डेविएट कर जाती थी। फिर हमें ये चीज़ भी पता चला कि अगर हम उसको हैवी मेटल, जैसे कि हमारे पास क्या हो गया, टंगस्टन हो गया, कॉपर हो गया, ठीक है, इन पे जब हम फॉल कराते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करती हैं, एक्सरेस। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि अगर हम इनको थिन शीट पर फॉल कराते हैं, जैसे कि एल्यूमिनियम या फिर अदर मेटल की थिन शीट्स पर इन कैथोड रेज को फॉल कराते हैं तो ये पेनिट्रेट कर जाती हैं। अगर हम किसी मेटल सरफेस पे कैथोड रेज को फॉल कराते हैं तो वो क्या करती है, हीटिंग इफेक्ट भी शो करती है, उसको गर्म कर देती है, ठीक है। अब हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, और वो क्या चीज़ है। इतने एक्सपेरिमेंट करने के बाद जे जे थॉम्सन ने कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, ठीक है, चीज़ें कुछ और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। तो जे जे थॉम्सन ने क्या किया, जो जितनी भी चीज़ें करी, मतलब एक्सपेरिमेंट्स करे, उनकी रिपोर्ट तैयार की, उसके बाद उन्होंने ये देखा कि अगर हम गैस को चेंज कर दें, ठीक है, या हम मेटल की जो रोड है उसको चेंज कर दें, अगर हम सब कुछ चेंज करके देखते हैं तब भी हमें ये पता चलता है कि जो कैथोड रेज हैं उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आता, कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज नहीं हो रही। फिर इन्होंने क्या किया, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स किए, और उसमें उन्होंने क्या कोशिश की थी, उन्होंने कोशिश की थी कि चार्ज बाय मास, जिसको हम लिखते हैं ई बाय एम, उसका रेशो निकालने की कोशिश की। जैसे उन्होंने क्या किया कि भाई एक बार जो हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है उस गैस को फिल किया, उसकी जो वैल्यू थी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू उसको नोट की, फिर दूसरी गैस भरी उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नोट की, तीसरी गैस भरी उसके एक्सपेरिमेंटल वैल्यू नोट की, इलेक्ट्रोड्स जो था उसका नेचर अलग अलग तरीके से अलग अलग इलेक्ट्रोड्स को चेंज करके देखा, तो उन्होंने क्या चीज़ नोटिस की कि जो ई बाय एम की वैल्यू है वो हमेशा सेम ही आती है, कांस्टेंट आती है। तो यहाँ से ये चीज़ पता चली कि जो कैथोड रेज है वो इस पर डिपेंड नहीं कर रही कि आप गैस कौन सी ले रहे हो, आप जो इलेक्ट्रोड ले रहे हो उसका नेचर क्या है, मतलब कैथोड रेज हर किसी मैटर के अंदर एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ से उन्हें एक ऑब्जर्वेशन पता चली। अब उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने चार्ज बाय मास का रेशो निकाला, ये इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके निकाला था जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, बट फिर भी मैं एक थोड़ा सा आइडिया देने के लिए आपको डिस्कस करती हूँ कि भाई जैसे एक कैथोड है, एक एनोड है, इसके पीछे डिस्क लगाते थे, ठीक है, तो अब क्या होता था कि यहाँ से रेज निकलती थी, फिर उसके बाद क्या किया जाता था, जो रेज निकलती थी उस पीछे से डिस्क लगाया जाता था ताकि उस डिस्क में से वो पास होके स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करे, ठीक है। फिर जब वो ट्रेवल करती थी ना तो यहाँ पे दो चीज़ें लगाई जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अब वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगाई जाती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इस तरीके से लगा रहे हैं हम, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, रेज मान लो यहाँ से जा रही है,
तो जब वो ट्रेवल कर रही है तो क्या कर रहे हैं, उसके परपेंडिकुलर लगा रहे हैं। समझ रहे हो कि रेज अगर ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाते थे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगा दी उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको ऐसे लगाते थे कि भाई मैग्नेटिक फील्ड में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। तो ये क्या था, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थी आपस में भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जहां पे वो कैथोड रेज मोशन शो कर रही है उसके भी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इस तरीके से लगाई जाती थी, तो परपेंडिकुलर रहती थी। आप इसको ऐसे एक तरीके से देख सकते हैं कि भाई जैसे इस तरीके से लगा दिया कि ये नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दी उसी के परपेंडिकुलर लगा दी। तो फिर हम क्या करते थे, यहाँ पे एक फ्लोरोसेंट शीट होती थी, ठीक है, उसमें हम इसका डेविएशन देखते थे कि भाई ये यहाँ पे डेविएट कर रही है, यहाँ पे डेविएट कर रही है, यहाँ पे डेविएट कर रही है। तो ये भी ना, इसका जो डेविएशन था कई चीजों पे डिपेंड करता था कि भाई जो यहाँ से चार्ज निकल रहा है, डेविएशन जो है वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि जो यहाँ से रेज निकल रही है वो किसी चार्ज पार्टिकल से मिलके बनी है, तो उन पे चार्ज कितना है। ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ज्यादा डेविएशन वो शो करेगी। इस पे भी डिपेंड करता था कि वो कितने हैवी है, जितना लाइट पार्टिकल होता है उतना वो जल्दी डिफ्लेक्शन शो करता है। लाइट चीज को खिसकाना, मूव करना आसान होता है, हैवी चीज को मूव करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो कई सारी चीजें थी, इस पे डिपेंड करता था कि जो हम इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड लगा रहे हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ है। तो इन सब चीजों को सेट करके उन्होंने बहुत सारी मतलब रीडिंग्स वगैरह ली, तो हम इसको डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये क्या किया कि भाई बहुत सारी रीडिंग ली, और रीडिंग लेने के बाद उन्होंने ये देखा कि भाई जब भी मैं मतलब अलग अलग गैसेस के कैथोड रेज लेता हूँ या अलग अलग कैथोड एनोड लेने के बाद मैं देखता हूँ, तो कैथोड रेज का हमेशा चार्ज बाय मास की जो वैल्यू है वो आती है 1.76 × 10^11 कूलम्ब पर केजी। ठीक है, तो ये किसने किया, ये जे जे थॉम्सन ने किया। उसके बाद आए एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था आर ए मिलिकन। ठीक है, आर ए मिलिकन, इन्होंने किया ऑयल ड्रॉप मेथड। इन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप मेथड। अब ऑयल ड्रॉप मेथड में इन्होंने क्या किया, ये भी आपका फिजिक्स का एक्सपेरिमेंट है, इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने क्या किया, मिलिकन ने, इन्होंने चार्ज प्लेट्स ली, पहले एक बॉक्स सा लिया, ठीक है, चार्ज प्लेट ली, एक कैथोड है एक एनोड है, आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए प्लीज। फिर क्या करते थे कि ऊपर ना यहाँ पे स्प्रे किया जाता था, ठीक है, स्प्रे करके पार्टिकल्स को छोड़ा जाता था, और यहाँ पे लगा रहता था टेलीस्कोप, उस टेलीस्कोप की मदद से देखा जाता था कि भाई क्या जो है ऑब्जर्वेशन हो रही है। और जो यहाँ पे जब स्प्रे करते थे, और स्प्रे करने के बाद जब वो ड्रॉप आता था, मान लो कोई एक ड्रॉप आया यहाँ पे, तो क्या करते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड को ना बैलेंस करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड को बैलेंस करने के बाद ऑयल के ड्रॉप को स्टेशनरी किया जाता था, मतलब उसको फिक्स किया जाता था, स्टेशनरी किया जाता था, और ऐसे स्टेशनरी करते थे कि वो अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स रहता था। तो वहां से उन्होंने क्या किया, जो हमारे मिलिकन साइंटिस्ट थे, इन्होंने निकाला चार्ज। और जब उन्होंने चार्ज निकाला, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड है, चार्ज देख रहे हैं कि भाई कितना हम इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद कितना हमारा जो वैल्यू है वो लग रही है उसको स्टेशनरी करने की, तो उन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाली और वो आई 1.6 × 10^-19 कूलम। ठीक है, आज के टाइम पे इसको हम लिखते हैं 1.602 × 10^-19 कूलम। ठीक है, क्योंकि अब एक्यूरेसी जो है हम धीरे धीरे, अब इतनी परफेक्शन आती जा रही है कि हम एक्यूरेसी पे काफ़ी फोकस करते हैं, पर पहले के टाइम पे 1.6 × 10^-19 कूलम था। तो अब यहाँ से आप देखो, चार्ज बाय मास की वैल्यू पता है और यहाँ पे हमें चार्ज की वैल्यू पता है, अगर हम इसको डिवाइड कर दें, चार्ज से चार्ज कैंसिल होके हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास की। तो उन्होंने क्या किया, जो चार्ज था, चार्ज को डिवाइड किया चार्ज बाय मास के रेशो से। ठीक है, मतलब को E को डिवाइड किया E बाय M से। तो क्या हुआ,
ई की वैल्यू कितनी थी, 1.6 × 10⁻¹⁹, ठीक है। और ई बाय एम की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 1.76 × 10⁻¹⁰। ये कूलाम में था और ये कूलाम पर केजी में था, कूलाम से कूलाम कट गया, केजी ऊपर जाएगा, 10⁻¹⁰ है, ऊपर जाके हो जाएगी −11, 19 और 11 ऐड होके कितना आ जाएगा, −31। तो यहां से जो चार्ज वो सॉरी मास निकला, यहां पे लिख देते, यहां से जो मास निकला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो निकला कितना, 9.1 × 10⁻³ kg, ठीक है। तो ये जो था क्या था, ये कहलाया हमारा, अभी तक हमने जितना भी पढ़ा ये हमारा कहलाया डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें हमने ये चीज़ देखी कि भाई रेज जो है वो कैथोड से निकलती हैं, कैथोड से निकल रही हैं, नेगेटिव सोर्स से निकल रही हैं, तो नेगेटिवली चार्ज होती हैं, जिसको हम जस्टिफाई करते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड देके कि भाई इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड अगर हम देते हैं तो वो पॉजिटिव की तरफ डेविएट हो रही है या नहीं हो रही है, और भी डिफरेंट डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए गए। फिर उसके बाद जब हमें पता चला कि हाँ वो जो रेज हैं वो कैथोड से निकल रही हैं और वो इस पे डिपेंड नहीं करती कि उसका सोर्स क्या है या हम गैस कौन सी ले रहे हैं, तो वहाँ से ये चीज़ पता चली कि भाई ये जो रेज हैं और ये रेज जिन पार्टिकल्स से मिलके बन रही हैं वो हर कहीं मैटर में एग्जिस्ट करता है, समझ में आया। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जो मतलब जे जे थॉमसन थे उन्होंने क्या किया, चार्ज बाय मास का रेशो निकाला, और उसके बाद भी उन्होंने क्रॉस चेक किया कि भाई चार्ज बाय मास की जो रेशो आ रही है अलग अलग सिचुएशन में, कि अलग गैस ले ली, अलग इलेक्ट्रोड ले ली, वो सेम आ रही है कि डिफरेंट आ रही है, तो वो हमेशा क्या आती थी, सेम आती थी, ठीक है। फिर उसके बाद मिलिकन आए, उन्होंने क्या किया, अपना ऑयल ड्रॉप मेथड किया, ऑयल ड्रॉप मेथड में वो ऑयल का स्प्रे करते थे, फिर उसको भी उन्होंने इलेक्ट्रिक प्लेट्स होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड देते थे, फिर ऑयल ड्रॉप को स्टेशनरी करते थे, फिर देखते थे कि भाई यहाँ से कितना चार्ज इसका निकल रहा है, तो इन्होंने चार्ज की वैल्यू निकाली कि वो 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम आती है। फिर क्या किया, चार्ज और चार्ज बाय मास के रेशो को डिवाइड किया और यहाँ से क्या निकाली, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाली। तो इस तरीके से हमने काफ़ी शॉर्ट में एक ओवरव्यू लिया कि भाई जो इलेक्ट्रॉन था उस इलेक्ट्रॉन का मास कैसे आया। तो आज के लिए इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो के साथ, थैंक यू।